नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। चुनावों को लेकर एक बात है जो बहस के रूप में तब्दील हो जाती है, वो ये है कि पढ़ा लिखा नेता जब होगा तभी तो एक अच्छी गवर्नेंस देखने को मिलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा चुनाव भी है जहां पर सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही खड़े होते हैं और पढ़े लिखे लोग ही वोट देते हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, ब्रज बहादुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के इस खास प्रोग्राम में। आप प्रदेश प्रभारी भी हैं एमएलसी चुनाव के। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ब्रज बहादुर भारद्वाज जी जो हैं, उन्होंने शुरुआत की आरएसएस से, फिर एबीवीपी में रहे, फिर उसके बाद होते हुए पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी आप आसीन रहे हैं। ये जो सफ़र है आपका, ये कैसा रहा और क्या क्या आपको सीखने को मिला और क्या क्या आपने इसमें देखा? मैं उत्तर संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ का स्वयंसेवक जो भी काम मिलता है उसको बखूबी उसे निभाने की प्रयास करता है। और मैं जब कक्षा 8 में था जब भी स्वयंसेवक बना, उसके बाद जब कक्षा 11 और 12 में आया तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम करना शुरू किया, पढ़ाई की, कॉलेज में गया और उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना। कई आंदोलनों में, राम जन्मभूमि आंदोलन हो, अन्य आंदोलनों में सक्रिय भूमिका रही और धीरे धीरे 2004 से मैं पूर्णकालिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। पहले मैं अलीगढ़ विभाग में संगठन मंत्री, फिर मुरादाबाद बिजनौर विभाग का संगठन मंत्री, फिर गाजियाबाद विभाग का संगठन मंत्री। उसके बाद मेरे को नमामि गंगे योजना लागू हुई थी, उसी समय भारत में भाजपा की सरकार बनी और नमामि गंगे का काम मुझे उत्तर प्रदेश के संयोजक के रूप में मिला, उसको काम किया और काफ़ी कुछ सरकार ने भी उसमें किया, कार्यकर्ताओं को हमने जगह जगह खड़ा किया और उसका आज आप देख रहे हैं नमामि गंगे का काम काफ़ी आगे बढ़ गया है। उसके बाद मुझे बंगाल में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भेजा। बंगाल में उस समय परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी, लेकिन विषम परिस्थितियों में भी सब लोगों ने मिलकर के, और जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें वही विधानसभा चुनाव जो था 2016 का, उसकी परिणति हुई और हम लोग जो है वहाँ लगभग 18 सांसद बंगाल में जीत करके इस बार हमारे आए। और इस समय जो चुनाव होने जा रहा है जो 2021 में होगा अप्रैल में और मई में, मुझे लगता है कि इस बार सरकार हम लोग निश्चित वहाँ बनाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता और वहाँ की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो चुकी है। वहाँ ममता बनर्जी के खिलाफ अब नहीं दरकार, ममता सरकार, ऐसा नारा वहाँ लगातार लग रहा है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आज भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए खड़े हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ की जो सरकार है वास्तव में इतना तुष्टिकरण कर दिया उसने कि आज वहाँ जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो रहने में मजबूर हैं, बहुत मुश्किल हैं उनके सामने कि वो कैसे बंगाल में रहें। और पूरा अराजकता का माहौल आज बंगाल के अंदर है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, जगह जगह भ्रष्टाचार है, जगह जगह अराजकता है, कोई किसी के बात को उठा नहीं सकता, उठाता है तो संतरास होता है, वहाँ पर मारकाट होती है और लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। एक एक व्यक्ति पर, जो सामान्य व्यक्ति है उस पर 20-20, 18-18, 17-17 मुकदमे लिखवा दिए गए। भारतीय जनता पार्टी का या विशेष रूप से कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं बचा जिस पर 10 मुकदमे, 15 मुकदमे, 20 मुकदमे राजनीतिक मुकदमे ना लगा दिए गए हों। तो मुझे लगता है कि इस बार वहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है जो हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार के बाद जो परिणाम आए, उपचुनावों के जो परिणाम आए सारे प्रदेशों में, आपने देखा है कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट पूरे देश के अंदर दिखाई दे रहा है। और आज लोगों को लगता है कि केंद्र में जो सरकार है वास्तव में राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्र के हित में है, समाज के हित में है। और उसको देख करके मुझे लगता है कि इस बार बंगाल का परिणाम आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा, जैसा सारे लोग चाहते हैं वैसा ही परिणाम मुझे आनंद। जी सर, देखिए पार्टी ने जो आपको जिम्मेदारियाँ दी आपने उनको बखूबी निभाया। अगला सवाल मेरा, चूँकि कल एमएलसी चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे, 11 सीटों के लिए मतदान है, सर ये बताइए कि आपकी सरकार ने शिक्षकों और स्नातकों के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं, किन योजनाओं पर काम चल रहा है? पहला तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले केवल और केवल सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हुआ करते थे, या तो गवर्नमेंट पूरे होते थे या एडिड विद्यालय हुआ करते थे, लेकिन अब CBSE बोर्ड या IAS बोर्ड ऐसे कई बोर्ड आ गए जिसके कारण से आज वित्त विहीन विद्यालय जगह जगह हैं, आज कॉन्वेंट विद्यालय चल रहे हैं और एक बहुत बड़ा संख्या छात्रों की हो, अभिभावकों की हो, उससे जुड़ी हुई है। और इसके बाद देखने में आया है कि जो वित्तविहीन विद्यालय थे, अभी पिछली सरकारें रहीं, बहुत ज़्यादा उनको सुविधाएं नहीं दी गई, जो शैक्षिक संगठन चलते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी तो चुनाव को नहीं लड़ती थी, 6 MLC स्नातकों के द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जाते हैं और 6 MLC शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं। इस समय 11 पर चुनाव हो रहा है, उसमें से
एक MLC इस समय जयपाल सिंह बैस्त जी जो मुरादाबाद क्षेत्र से और बरेली क्षेत्र से स्नातक में हैं, उनका चुनाव इस समय नहीं है। इस तरह से 11 चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा क्योंकि हर वर्ग में हम लोग काम कर रहे हैं, मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, हर वर्ग में काम कर रहे हैं, तो क्यों ना शिक्षक वर्ग में भी हमारा काम बढ़े। और इसके लिए लेकर के इस बार हम लोगों ने ये पहली बार चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। इस समय 9 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 2 सीटें हमारे ने समर्थन के रूप में छोड़ दी हैं दूसरे लोगों के लिए, लेकिन हम वर्तमान में 9 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है क्योंकि लगभग 1 वर्ष से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसको एक एक कार्यकर्ता हमारा लगा हुआ है। इसमें सबसे पहली प्राथमिकता होती है वोट बनाने की, क्योंकि इसमें हर बार नया वोट बनता है। 6 वर्ष के लिए MLC चुने जाते हैं और हर बार नया वोट बनता है, तो कार्यकर्ताओं ने लग करके इस बार वोट बनवाए हैं। पिछली बार लगभग इसी सीट की बात मान लें आप, मेरठ और सहारनपुर वाली सीट की, यहाँ पर लगभग 2,25,000 वोट पिछली बार बना था स्नातक का, और इस बार 2,97,000 वोट हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, उनकी कर्मठता से बनाए हैं हम लोगों ने। लगभग 35,000 वोट इस बार हम लोगों ने शिक्षकों के बनाए हैं। पिछली सरकार की वो लिख गई थी कि जो वित्तहीन विद्यालयों के CBSE बोर्ड विद्यालय हैं उनमें जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो अंशकालिक होते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने और हमारी सरकार ने प्रयास करके कहा कि क्योंकि वो पूरे दिन विद्यालय में पढ़ाते हैं, वो परीक्षाओं में भी ड्यूटी देते हैं और उसके अलावा वो मूल्यांकन में भी जाते हैं, तो वो पूर्णकालिक अध्यापक हैं और इसी आधार पर उन सबका वोट बनाए और पहली बार वो अध्यापक वोट डालने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ वातावरण है। पहले अध्यापक रिटायर्ड हो जाते, सेवानिवृत्ति होते थे, लगभग 1-1 वर्ष, 2-2 वर्ष, 3-3 वर्षों तक वो अपने फंड के लिए, अपने इंश्योरेंस के पैसे के लिए चक्कर लगाते रहते DIOS ऑफिस का वहाँ का। जब से हमारी सरकार आई है तो उस दिशा में हमारी सरकार ने कहा है कि 1 माह के अंदर जो सेवानिवृत्त अध्यापक होता है उसका सारा पैसा, उसका फंड उसके अकाउंट में पहुँचना चाहिए, और उस दिशा में काम हुआ है। आज कोई ना भ्रष्टाचार है इस बात को लेकर, आज साफ स्वच्छ काम हो रहा है और बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला है। अभी नई शिक्षा नीति देश में लागू हुई है, पहले लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के आधार पर 70 वर्षों से देश चला आ रहा था, कोई कोशिश नहीं कर रहा था कि किसी भी तरह से शिक्षा नीति को बदला जाए, लेकिन जैसे ही हमारी बहुमत में सरकार आई है, पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र के अंदर है, राज्यसभा में भी अब हम लोगों का बहुमत हो गया है, तो आज हमने उस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए देश में कदम उठाया है। और आगे आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि जिस तरह से नालंदा और तक्षशिला के लिए लोग पढ़ने विदेशों से आते थे, आने वाले कुछ वर्षों बाद पुनः विदेशों के छात्र भारत में एडमिशन लेने के लिए सिफारिश लगाएंगे, लोग आएंगे यहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे, ऐसा माहौल 1-2 वर्ष के बाद आपको देश में दिखाई देने लगेगा। आपके जवाब से 2 सवाल मेरे जहन में निकल कर आए हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि अगर आंकड़ों की बात करें, सर आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो भारद्वाज जी ये निकल कर सामने आता है कि वोटर जो है, जो शिक्षक और स्नातक चुनाव में MLC में जो वोटर होता है वो लगभग 1/12 होता है, मतलब 8% लोग मेरे हिसाब से वोट देते हैं। आप कह रहे हैं कि इस बार वृद्धि करी है वोटर्स की लिस्ट में, ऐसा कैसे संभव हो पाया, और अगर ऐसा है तो इससे पहले ये क्यों नहीं किया गया? मैंने जो जैसा आपको बताया कि जो कुछ संगठन है जो शिक्षक के संगठन के नाम पर चलते थे, चाहे वो शर्मा गुट के नाम पर हो, पांडे गुट हो, ठकुरे गुट हो, वो कुछ थोड़े से वोट अपने बनाते थे और उन्हीं के आधार पर उन वोटों में वोट करा करके अपने आप को MLC बन जाते थे, और ये लगातार सिलसिला 50 वर्षों से चल रहा है, ताकि कोई समस्या उठाने वाला नहीं होता, वही लोग होते हैं, कुछ लोगों को लाभ दिलाया, कुछ व्यक्तिगत लोग होते हैं, परिवार के लोगों को लाभ दिलाया। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव में उतरी है, बाकी के दल उन लोगों को छोड़ देते थे जैसा भी रहता होगा उनका तालमेल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा क्योंकि शिक्षक वर्ग भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसके साथ परिवार जुड़ा हुआ है, उसके साथ शिक्षक के साथ उसके शिष्य जुड़े हुए हैं, उनके परिवार जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ा परिवार शिक्षक समाज जो है एक बहुत बड़े मतलब समाज को जो है प्रभावित करता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रयास करके, अभी तो और भी वोट बन सकते थे, लेकिन हमारा प्रयास काफ़ी रहा, क्योंकि वोट बनने की पद्धति होती है उसमें कई बार उसमें तो उतना जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, हम लोग अभी उससे इतने संतुष्ट नहीं है जितना होना चाहिए था। जैसा आपने कहा कि बहुत कम संख्या में बनते थे, ये तो बहुत पहले से था। अब मैंने आपको बताया कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रयास किया था, तब 2,25,000 वोट बन पाए थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक ही सीट पर 2,97,000 वोट, वो भी बहुत कम है, 2,97,000 पूरा नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि स्नातक तो इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी संख्या होगी, एक लगभग जाकर के 1-1.5 करोड़ लोग बैठेंगे, लेकिन नहीं हो पाया वो, क्योंकि कुछ तो
जैसा कि अपन लोग देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो जो क्षेत्र में जहां लोगों को हम अशिक्षित मानते हैं, जो छोटी बस्तियां मानते हैं, उन बस्तियों में, उन क्षेत्रों में अधिक वोट परसेंटेज रहता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वहां वोटर परसेंटेज कम रहता है, कोई 55 होता है, कभी 60 होता है, क्योंकि हम लोग वोट को उतना वो मुख्य नहीं मानते। बाकी के लोगों को लोकतंत्र में विश्वास है, लोकतंत्र के साथ खड़े हैं और वो सारी छुट्टियाँ काट करके छुट्टी का पूरा उपयोग करते हैं। हम लोग छुट्टियाँ मनाने चले जाते हैं, तो फिर भी प्रयास करके कितनी कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि इस बार लग रहा है पहली बार कि एमएलसी भी कोई चुनाव होता है। पहले तो पता ही नहीं चलता था लोगों को कब एमएलसी चुनाव हुआ। हाँ, जागरूकता के बीच में कभी देखने कब जनप्रतिनिधि बन गए, कब एमएलसी बन गए, ये कभी किसी को पता नहीं चला। पहली बार लोगों को पता चल रहा है कि एमएलसी भी कोई चुनाव होता है। लोग पूछ रहे हैं, अरे यार कोई चुनाव हो रहा है, बड़ा चंचल बची हुई है, बड़े लोग लड़ रहे हैं। तो इस बार लोगों को लग रहा है और मुझे लगता है आगे जो भी एमएलसी का चुनाव होगा उसमें लोग बड़े तैयारी के साथ, लड़ने वाले भी और जो वोट देने वाले हैं वो भी पूरी तैयारी के साथ पूछेंगे कि भाई हमारा वोट बनना है। और लोग अब अवेयर हो गए हैं इसके मामले में। और आगे आप देखिए कि जो संख्या में 3 लाख बता रहा हूँ, वो आगे जाके कई लाखों में बड़ी संख्या में वोटर तैयार होंगे। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों में से भी बहुत सारे लोगों के वोट नहीं होने होंगे, क्योंकि पता ही नहीं चला कब वोट बना, कब नहीं बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भी लोग पूछ रहे भैया हमारा वोट नहीं बन पाएगा क्या। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में खुद लोग स्वतः प्रेरणा से और इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे बाकी का वोट के लिए लोग पूछते हैं भाई मेरा वोट है या नहीं है, ऐसे ही मुझे लगता है स्नातक का भी और शिक्षक का भी, क्योंकि शिक्षक वोट तो पहले कुछ ही लिमिटेड लोगों में बनाते थे। बाकी आप ये समझ लीजिए पिछली बार 5,000 पे शिक्षक का MLC बन गया केवल 5,000 वोट पर, और इस बार काफ़ी बदलाव है। इस बार नहीं लगता मुझे कि 5,000 पे कोई शिक्षक MLC बन पाएगा। नहीं देखिए, मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूँ। चुनाव MLC के शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के इसलिए कराए जाते हैं ताकि एक प्रतिनिधित्व बना रहे इन लोगों का। सिस्टम का ढांचा इसी तरह से काम करता है। लेकिन अगर वोटर ही लिमिटेड हो जाएंगे, 8% अगर वोटर जो वोट देता है तो ये चुनाव ही अप्रासंगिक हो जाता है। इस पर सर एक और जो सवाल है वो ये है कि इससे पहले जितने भी अन्य दल आए, आप लोगों का आरोप रहता है कि उन्होंने कुछ ऐसे काम नहीं किए शिक्षक और स्नातकों के लिए जो उनको करने चाहिए थे, जो आप करने की बात कह रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें थी जिसको आपको लगता है कि जो इससे पहले जो अन्य दल रहे वो लैग कर गए इन चीज़ों को, वो क्या चीज़ें? सबसे पहली बात यही है कि शिक्षक गुरु जो भी होता है उसका स्थान बहुत बड़ा माना गया है। गुरु गुरु रह जाता है, अध्यापक जो होता है वो अध्यापक रह जाता है, उसका पढ़ाया हुआ बालक छात्र जो है कोई IAS होता है, कोई IPS होता है, कोई बड़ी IFS हो जाता है, कोई मंत्री हो जाता है, कोई गवर्नर हो जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, लेकिन वो अध्यापक अध्यापक ही रहता है। तो उसका सम्मान गुरु का जितना है, तो जब वो 60 वर्षों तक शिक्षा देता है, विद्यालय में पढ़ाता है, उसके बाद जब वो सेवानिवृत्त होता है तो उसे दर दर DIS ऑफिस के और क्लर्कों के पास जाकर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसे अपने फंड के लिए निवेदन करना पड़ता है, गिड़गिड़ाता है। क्योंकि अध्यापक मैं मानता हूँ, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन अधिकांश अध्यापक जो है एक बहुत ही अपने सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति होता है, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके पास केवल उस फंड के अलावा और कुछ जोड़ा नहीं जाता। कोई नंबर 2 का पैसा उसके पास नहीं होता, कहीं से कोई रिश्वत का पैसा नहीं होता। तो उसका जो अपना मेहनत का पैसा होता है उसके लिए भी उसे परेशानी होती थी तो इस ओर भी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। पिछले इतने वर्षों से देश आज़ाद हुआ है, सरकारें बनती रहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस ओर ध्यान दिया और हमारे माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने इसको लागू किया कि भाई जो अध्यापक अगर सेवानिवृत्त होता है तो तत्काल उसकी सेवाओं का सम्मान, उसका जो फंड है, उसका पैसा है, उसको रिलीज किया जाए और अकाउंटों में भेजा जाए। ये एक बड़ा एक कदम है कि क्योंकि अध्यापक और उनको हम गुरुजन को एक बड़ा सम्मान देते हैं समाज में। आपने 3 चीज़ों का एक साथ जिक्र किया, 3 शब्दों का आपने प्रयोग किया, शिक्षक, ईमानदारी और 3रा शिक्षा। अगर मैं इन 3 शब्दों को एक साथ घोल के देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझको ऐसा दिखता है कि यूपी के कई जिलों में शिक्षा को भी माफियागिरी से जोड़ दिया गया, ये भी एक व्यवसाय बन गया है। इसके लिए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हो जाता है, इसके लिए कोई है ऐसा तरीका जिससे इस पर लगाम लगाई जा सके, आपकी सरकार जो इस पर काम करने की सोच रही है? आपने देखा हुआ पिछले समय में ऐसा लगने लगा था उत्तर प्रदेश के अंदर कि एक समय ऐसा आएगा कि पढ़ाएगा कौन जी, जब शिक्षक ही नहीं होगा तो पढ़ाएगा कौन, क्यों कि नकल सब हो रही थी और जो नकल से पढ़ के आ रहा था फिर वो कैसे शिक्षक बनता और वो कैसे शिक्षा जी। बिल्कुल, सपा की सरकार में लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती थी। जो भी पुरानी सरकारें रही हैं उसमें आपने देखा कि इस तरह का था, तो इतना था कि ठेके पर नकल होती थी, ठेके पर विद्यालय उठाए जाते थे। लेकिन मेरी सरकार जब से आई है, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जब से शिक्षा मंत्री बने, तो आपने देखा पहले CCTV कैमरे लगवाए गए कमरों में ताकि छात्र नकल ना कर सके, जो अध्यापक है उस अध्यापक की निगरानी की गई, बाहर पूरा फ्लाइंग स्क्वाड तो पहले भी जाते थे, पहले दूसरे माध्यम से जाते थे और कुछ अपने सुविधा शुल्क के लेकर के वापस आ जाते थे, लेकिन आज फ्लाइंग स्क्वाड जाता है तो वहाँ पूरा उसकी कार्रवाई होती है। पूरी कार्रवाई
केंद्र मतलब एक सेंटर बनाया गया है, वहाँ बैठ करके देखी जा सकती है कि किस विद्यालय में क्या हो रहा है। ये लखनऊ में बैठे हुए अधिकारी वहाँ से वाच करते हैं कि किस गांव में किस मोहल्ले में जो विद्यालय है उसका में क्या कार्रवाई हो रही है, कौन नकल कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। पिछली बार केवल सीसीटीवी कैमरे लगवाए, इस बार वॉइस। आपको नहीं लगता कि गांव देहात के जो छात्र हैं जो इसी भरोसे से पढ़ाई कर रहे थे वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे? नहीं, नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं है। लोगों को लगने लगा है कि अब हमें पढ़ाना पड़ेगा, अब लोगों को लगने लगा है अभिभावकों को, अब हमें बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे जो पिछली बार रिजल्ट आया और उसके बाद इस बार रिजल्ट आया, क्योंकि ये तो दो तीन वर्षों से प्रक्रिया शुरू हुई है, तो आप देख रहे हैं कि छात्रों का रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है और छात्र पढ़ भी रहे हैं। इस बार तो कोरोना काल आया है, इस कारण से थोड़ी असुविधा हो रही है छात्रों को पढ़ाने में विद्यालयों में वैसे, लेकिन छात्र अधिकांश पढ़ने लगे। अभिभावकों ने भी सोच लिया कि अब ठेके पर नकल करा के हम बच्चे को पास निकाल सकते हैं। दूसरा एक और जो सरकार ने किया है कि इंटरव्यू होता था पहले, और इंटरव्यू के आधार पर हम लोग पास हो जाते थे, नौकरी पा जाते थे, लेकिन जो जो डी और सी क्लास की नौकरियाँ हैं उसमें इंटरव्यू समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि टीजीटी जो अध्यापक होगा उसको भी अब इंटरव्यू नहीं देना होगा, केवल आप रिटर्न क्वालिफाई करें और रिटर्न क्वालिफाई के बाद आप अध्यापक बन जाएंगे और सीधे आपको जो है अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। लेकिन अब जब आप टेस्ट ही पास नहीं कर पाएंगे तो, यानी नकल से आप करे हुए तो टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे, तो जो वास्तव में योग्य होगा वही शिक्षक बन पाएगा। तो ये इस प्रक्रिया में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी काम किया है। अभी भर्तियाँ हुई थी टीजीटी की, हुई आपने देखा कि ऑनलाइन उनसे उनके रेफरेंस मांगे कि आप कौन सी जगह चाहते हैं, तीन जगह आप चॉइस दीजिए, उनमें से एक जगह पर उनका अपॉइंटमेंट हो गया, ना उन्हें कहीं जाना पड़ा ना कहीं आना पड़ा, उनके मोबाइल पर आ गया कि आपका अपॉइंटमेंट यहाँ किया जाता है, जाके उन्होंने कर ली। जो भ्रष्टाचार था ये बड़े लंबे समय से, क्योंकि पहले आपने देखा कि इंटरव्यू के नाम पर लोग ढूंढने लगते थे, चाहे वो फोर्थ क्लास के कर्मचारी हो, चाहे ऑफिस में बैठने वाला कर्मचारी हो या अधिकारी हो, सबको ढूंढते थे कैसे हमारी जुगाड़ लग जाए, कैसे कुछ हो जाए, लेकिन वो सब जुगाड़ें खत्म कर दी और सीधा टेस्ट पास करिए और सीधा नौकरी पर जाइए। ये एक बहुत बड़ा कदम शिक्षा क्षेत्र में जो हमारी सरकार ने उठाया है, जो पहले की सरकारों ने कभी नहीं सोचा था, वो पहली बार हमारी सरकार। दरअसल आपकी बात की कुल जमा बात ये है कि पर्ची और जुगाड़ से शिक्षा तो ग्रहण करी जा सकती थी, डिग्री भी मिल जाती थी, लेकिन ये बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही थी। आगे अगला सवाल, क्योंकि आपने कोरोना भी बोला, भी कोरोना का जिक्र किया आपने, कोरोना संक्रमण है, कोरोना संक्रमण के दौरान चुनाव हो रहे हैं, क्या आपको चीज़ें जो हैं अव्यवस्थित नज़र आ रही हैं, ऐसा कुछ है? क्योंकि बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो पता लग रहा है कि बूथों की संख्या बढ़ जाने से पार्टी को परेशानी हो रही है। नहीं, पार्टी को परेशानी हो रही है वो ठीक है, लेकिन बूथ बढ़ने से एक तो संख्या कम हुई है बूथों पर, और एक बार में सारे लोग वोट डालने नहीं आ रहे, क्योंकि 700 वोट है, कहीं 800 वोट है, कहीं 900 वोट है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वोटिंग का समय है, तो आराम से लोग वोट डाल सकते हैं। कोरोना का जो पालन है उसको भी किया जा सकता है और वोट परसेंटेज भी बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सारे कार्यकर्ता संपर्क कर रहे हैं, 3 बार हम लोगों ने मतदाताओं से संपर्क किया और मुझे लगता है कि परिणाम अच्छा आना चाहिए, क्योंकि 11 में से 9 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं इस समय, और 9 पे भी अच्छा, मतलब कार्यकर्ताओं से बातचीत होने पर अच्छा ही महसूस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव भी हम लोग, क्योंकि पूरे देश के अंदर वातावरण है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए। उपचुनाव आपने देख लिए, बिहार का चुनाव भी सब लोगों ने देख लिया, तो मुझे लगता है कि ये चुनाव भी इस बार हम लोग निश्चित विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, बिहार के चुनाव का जिक्र किया, वो लोग तो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन के चक्कर में लालच देके चुनाव जीत लिया गया। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वैक्सीन हो जाती है, कभी एयर स्ट्राइक उनके लिए मुद्दा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और ये सब काम तो प्रक्रिया ये तो चलती रहेगी, अब वो जिसको भी मुद्दा माने वो हम मानते रहे। अच्छा ठीक है, तो एक चीज़ और है, हम लोग बैठे हुए इस टाइम गाज़ियाबाद में हैं, गाज़ियाबाद से कुछ ही दूरी पर दिल्ली है, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को किसानों ने चौक कर रखा है, किसानों ने बंद कर रखा है। ऐसे में जब इतनी बड़ी जब बात हो रही है, घटना एक जगह पर हो रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं आज वाराणसी में हैं दीपोत्सव के कार्यक्रम में, और गृहमंत्री कल हैदराबाद में थे, आपको नहीं लगता कि सर किसानों के साथ बैठकर 1-to-1 वार्ता करनी चाहिए इस मौके पर, या फिर और चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए? मैंने आपके चैनल के माध्यमों से भी देखा है, और अभी सुबह न्यूज़पेपर जो अपने हैं उनमें भी मैंने पढ़ा है कि देश के प्रधानमंत्री ने के निर्देश पर माननीय गृहमंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह, माननीय अपने कृषि मंत्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी, तीनों लोगों को नियुक्ति किया है उन्होंने किसानों से वार्ता के लिए। उन्होंने समय उनके लिए उन्होंने जो है निमंत्रण भी भेजा है कि आप लोग आइए, आपकी जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसान एक तैसी है, क्योंकि इससे पहले किसानों के लिए वायदे बहुत किए गए लेकिन काम कोई नहीं किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है आप देखिए 18 घंटे बिजली किसान को मिल रही है, आज रात में पानी लगाने के लिए किसान नहीं जा रहा है, आज दिन में पानी लगाता है खेत में। आज नहीं सर, अगर किसानों को इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो किसान सड़कों पर क्यों? बता रहा हूं आपको, एक तो आप ये उठाकर देखिए कितना किसान सड़कों पर है,
ठीक है ना। बाकी दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान, मान लिया मैंने किसान हो सकता है, उनके दिमाग ध्यान में कोई बात आ रही होगी कि ये गलत हुआ है, तो उसके लिए बातचीत के लिए सरकार तैयार है। कि आपको क्या लगता है एमएसपी की बात बार बार कह रही है जो विरोधी दलों के द्वारा उठाई गई है, एमएसपी अभी तक कहीं आपने देखा कि एमएसपी को समाप्त करने की बात की? नहीं, वो लोग तो विरोधी दल का भी समर्थन नहीं मांग रहे ना सर, वो कह रहे हैं कि सब एक ही है। वो ठीक बात है, मैं आपकी मान रहा हूँ, लेकिन शुरुआत विरोधी दलों ने की, उनके उकसावे पे ही कुछ लोग इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़े। लेकिन एमएसपी के बारे में आपने देखा कि अभी तक कहीं कोई बात नहीं है कि हम समाप्त करें। भाई एमएसपी को सरकार क्यों समाप्त करेगी? एमएसपी तो पहले कोई लागू नहीं थी इतनी ज़्यादा, जितनी हमारी सरकार 6 वर्ष में आई है, 6 वर्ष से जो लागू किया गया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना ही चाहिए किसान के लिए, ये पहली बार हुआ है देश के अंदर। और हमारी सरकार जब से आई है तब से किसानों की आय को दुगुना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और आपने देखा भी है कि काफ़ी कुछ, पहले मैं देखता था कि डीएपी के लिए और यूरिया के लिए लाठियां भाजी जाती थी, जब से मेरी पार्टी की सरकार आई है जब से डीएपी और यूरिया आसानी से मिल रहा है, पहले किसानों को तमाम समस्याएं झेलनी पड़ती थी, आज भी समस्याएं नहीं झेलनी पड़ेंगी। मैं तो जब पढ़ता था इंटर में तो मैं देखता था डीजल की लाइन पेट्रोल पंपों पर लगती थी किसानों के लिए, और वो 50 लीटर मांगता था तो उसे 25 लीटर दिया जाता था, अगर ज़्यादा आंदोलन करते लाठियां पड़ती थी। हमारी सरकार आई है जब से कोई ऐसा आंदोलन किसानों का नहीं हुआ, न किसानों के हित में कोई बात हुई, क्योंकि हम तो खुद किसान हित ऐसी हैं। और फिर पार्टी की भी मंशा है और सरकार की भी मंशा है कि आप आइए एक बार हमसे बातचीत तो करिए, आपको जो गलत लगता है या तो हम समझाएंगे, कंपेयर करेंगे, या फिर आप हमें कंपेयर करेंगे तो हम आपके हिसाब से उसको लागू कर देंगे देश के अंदर। सब कुछ थोड़ी है कि हमारी कोई जिद है कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक आध दिन में ये मसला सुलझ जाना चाहिए, किसानों से बात हो गई है, किसान संगठनों से बात हो गई है, तो वो बातचीत करके, क्योंकि समय आपने कहा कि वो वहाँ है वो वहाँ है, तो कुछ समय तो देंगे किसान के, हम इतने बजे आ रहे हैं उतने बजे वो उनको तैयार मिलेंगे, 5 बजे की कहेंगे तो 5 बजे तैयार। आज कोई देश दूर तो नहीं है, आज कोई विदेश भी दूर नहीं है, आप 2 घंटे की कहिए 2 घंटे में आपके पास व्यक्ति होगा, क्या देश के किसी भी कोने में हो। तो मुझे लगता है कि जैसे ही समय मिलेगा किसानों के साथ बैठने का, तत्काल सरकार बैठने को तैयार है। अच्छा, तो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष का ये कहना है उत्तर प्रदेश के कि डायलॉग स्थापित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सर, बीते 1 साल से अगर मैं गलत नहीं हूँ आप कैंपेनिंग कर रहे हैं इस चुनाव के लिए, कैसी कैंपेनिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें रहीं, क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने रहीं, आपने किस तरीके से लोगों से जाके संपर्क बनाया? एक्चुअली है क्या कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विषय एक बार चर्चा करने से, बातचीत करने से लोगों को लगता है कि हाँ वास्तव में, क्योंकि विहीन विद्यालयों के जो अध्यापक थे पूर्ववर्ती सरकारों ने उनको वोटर नहीं बनने दिया, हम लोगों ने उन्हें वोटर बनाया है, उनको लगता भी है कि हमको वोटर क्यों नहीं बनाया जा रहा था। भाई मैं आपको अगर वोटर नहीं बनाता हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई लाभ होगा, इसलिए मैं आपको वोटर नहीं बना, लेकिन हमने वोटर बनाया तो उनको लगता है कि हाँ हमारे ऐसे लोग हैं ये हमारे हित की बात करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि उनके जनप्रतिनिधि जाए जीत करके और सरकार में आए और सदन में अपने विषय उठाएं, इसीलिए चुने जाते हैं। शिक्षकों की समस्या को लेकर अगर शिक्षक MLC सदन में विषय नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? अगर स्नातक को लेकर के बेरोजगारों की बात अगर कोई MLC जीत के जाता है वो नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? इसलिए ये निर्धारित किया गया है सदन के अंदर के हर वर्ग से कोई ना कोई MLC रहे। जैसे स्थानीय निकाय का मान लीजिए आप, पंचायतों के जो अभी चुनाव होने वाले हैं, प्रधान, BDC, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिकाओं के चेयरमैन, नगर पालिकाओं के सभासद, मेयर, पार्षद, इनका भी प्रतिनिधि होते हैं। इस तरह से 36 MLC उनके चुन के जाते हैं, वो अगले वर्ष चुनाव होगा 2021 में, वो भी 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो वो अपने स्थानीय निकाय की या पंचायतों से संबंधित क्या समस्याएं उन विषयों को उठाते हैं। लेकिन इन लोगों ने तो कभी स्नातक की बात को ही नहीं रखा जो जीत करके गए, इन्होंने तो कभी शिक्षक की बात को ही नहीं रखा कि क्या समस्याएं या क्या सुधार हो सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इन्होंने तो कभी कोई विषय ही नहीं रखा। इन्होंने तो केवल और केवल स्वयं जीते, कुछ लिमिटेड वोट बनवाए, उनके आधार पर जीते, उनसे चर्चा किया, वार्ता किया, अपना वोट डलवाया, लोगों को पता ही नहीं चला कब MLC शिक्षक बन गया, कब स्नातक MLC बन गया, ये तो पहली बार पता चलने जा रहा है। जी भारद्वाज जी, जब हम आपसे इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आ रहे थे उससे पहले हमने कई लोगों से बात की जो कि ग्रेजुएट थे, शिक्षकों से भी बात की, सभी का जो कुल जमा बात निकल कर आई, सभी का एक तर्क था, एक बात थी, उनका कहना था कि प्रक्रिया को आसान कर दिया जाए। उनके पास वोटर कार्ड तो है लेकिन फिर भी उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जो कि प्रक्रिया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके साथ ही जागरूकता की भी कमी दिखी, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था, तो इसके लिए क्या कर सकती है सर सरकार? निर्वाचन आयोग का काम है ये वोट बनाना, जो प्रक्रिया है वो निर्वाचन आयोग नहीं, पार्टी भी तो इस पर अपनी टिप कर सकती है। ठीक है, वो निर्वाचन आयोग काम है, और उसी जो आपने कहा कि पार्टी कर सकती है, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाया गया, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, ये कार्यक्रम भी था वोट बनाने का, तो इसमें भी कुछ कार्यकर्ता लगाए गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि अगली बार से पार्टी इसको एकदम, क्योंकि पार्टी का भी चुनाव नहीं लड़ती, वो तो बाद में आके निर्णय लिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे इसको। और मुझे लगता है कि जैसे अन्य चुनावों के लिए पार्टी अपने दमखम से अपने एक एक बूथ के
अध्यक्ष को लगाती है कि वोट बने, वोट है कि नहीं, सबको देखा जाता है और बीएलओ के साथ काम करते हैं, बीएलओ के साथ बैठते हैं। मुझे लगता है अगली बार आप देखेंगे कि इसमें भी पार्टी बहुत बड़ी संख्या में वोट बनाने का काम करेगी, जगह जगह बैनर लगाने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, वो सारा काम मुझे लगता है अगली बार के चुनाव में आपको दिखाई देगा। क्योंकि आप पिछले पश्चिम बंगाल के चुनावों में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई थी, चुनाव फिर सर पर है, पार्टी दमखम के साथ तैयार खड़ी है, इस बार आपको क्या वहां पर चुनौतियां देखने को मिल रही हैं? आपको लगता है कि ममता बनर्जी का किला आप भेद पाएंगे? आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का एक भी दो सांसद थे पिछली बार, आहुवालिया जी और वो जो है अपने दो सांसद थे, और आज जो है भारतीय जनता पार्टी 18 सांसद जीत करके वहाँ पर बड़ी संख्या में 40 में से 18 सांसद जीतना बड़ी बात है। 4-5 सीटें हमारी लूज हुई थी, उसमें भी बहुत कम मार्जिन से हम उन सीटों को हारे थे, तो इतनी बड़ी संख्या में कुछ न कुछ तो बदलाव है ही वहाँ पर। और मुझे लगता है कि वहाँ जगह जगह जय श्री राम का नारा लगना, ममता बनर्जी का रिटेड होना, इसका सीधा सीधा मैसेज है कि वहाँ ममता बनर्जी के पक्ष में हम लोग नहीं है, लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी की विदाई हो और वास्तव में एक राष्ट्रवादी सरकार वहाँ भी बने, जैसा कि आंध्र प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तैयारियां क्या हैं, पार्टी की तैयारियां किस तरह की हैं? आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तैयारी जिस दिन हम लोग विजयी हुए थे उसी दिन से शुरू कर दिया। हम लोगों ने ये नहीं माना कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से निरंतर कोई ना कोई कार्यक्रम समाज के बीच में चल रहा है। जो लोग जो विपक्षी दल हैं वो अभी तक जनता के बीच में नहीं पहुँच पाए, लेकिन हम लोग पिछले लगातार 3 वर्षों से लगभग 3.5 वर्ष होने जा रहे हैं और लगातार हम बीच में हैं, कोई ना कोई आंदोलन लेकर के, कोई ना कोई सामाजिक विषय लेकर के, और लगातार संपर्क में हम, कोई महीना ऐसा नहीं जाता कि हम मतदाताओं के बीच में कोई ना कोई विषय लेकर के ना जाते हों। लगातार हम लोगों के संपर्क में, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे निराकरण किया जा सकता है और उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, सरकार को बताने का, पार्टी को बताने का काम एक एक कार्यकर्ता करता है और उस दिशा में काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि जनता ने भी मन बना लिया है कि बाकी के लोग तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी उपचुनाव था तो उसमें उन्हें लग रहा था कि हम 3 सीटें जीतेंगे, 4 जीतेंगे, 5 जीतेंगे, 6 जीतेंगे, ऐसे दावे कर रहे थे, लेकिन जब से उपचुनाव में उनको मुंह भी खानी पड़ी है तब से कोई सड़क पर भी नहीं दिखाई दे रहा है किसी विषय को लेकर। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ब्रज बहादुर भारद्वाज को भाजपा के लिए लगता है कि वो चुनौती है, लगता है कि वो टक्कर दे पाएगी? कुछ कहीं दिखाई नहीं दे रहा अभी तो, अखिलेश यादव जी नहीं दिखाई दे रहे अभी तक तो सड़क पे, आपको देखा कोमा में चले गए चुनाव के बाद, तो पहले थोड़ा दिखाई भी दे रहे थे कि थोड़ा इधर भाग दौड़ हो रही थी, कुछ साइकिल चल रही थी, कोई पार्टी के कुछ नेता दिखाई दे रहे थे, गाड़ियाँ घूम रही थी सभा के झंडे ला के, लेकिन उपचुनाव के बाद तो मैं लखनऊ में ही रहता हूँ कई बार। अच्छा, मायावती जी दिख रही हैं? कोई नहीं दिखा, मतलब वो तो पहले से ही चली गई हैं, लेकिन अखिलेश जी थोड़ा दिखाई दे रहे थे, उठक पटक कर रहे थे, लेकिन उपचुनाव के बाद तो मुझे सभा की गाड़ियाँ भी कम दिखाई दे रही हैं, पता नहीं क्या कारण है, अभी वो जाग पाए हैं नहीं जा पाए, इस सदमे को सहन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, अब देखिए क्या होता है। जब तक मुझे लगता है चुनाव आएगा जगेंगे वो, जब तक शायद चुनाव आ जाएगा और चुनाव के बाद फिर। अच्छा, प्रदेश से अगर मैं केंद्र पर पहुँच जाऊँ तो ये बताइए कि कांग्रेस, आपको लगता है कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी? सर कांग्रेस कुछ नहीं है अभी, कोई मुझे तो नहीं लगता। प्रियंका गांधी का जादू नहीं चलेगा? 10 साल तक तो किसी का कोई जादू नहीं है, 10 साल बाद सोचेंगे लोग अभी। अभी कोई किसी का कोई 10 साल तक तो नहीं लग रहा है। साथ टाइम देने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। जाते जाते मैं दर्शकों को ये बता दूं कि MLC का जो कल चुनाव होने वाला है, एक फन फैक्ट बताता हुआ जाता हूँ। नित्यानंद स्वामी जी जो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, वो पहली दफ़ा MLC ग्रेजुएट का चुनाव जीतकर ही MLC बने थे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।